नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सात बड़ी भर्तियां जिनके फार्म आप मार्च महीने में ही भर सकते हैं, जिनके फार्म शुरू हो चुके हैं। और ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक वीडियो में एक साथ आपको सात भर्तियों की नॉलेज मिलेगी। और दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे बड़ी भर्ती जो कि एनटीपीसी की है, जिसे आप लगभग जानते होंगे, आपको पता चल गया होगा एनटीपीसी का। और इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2019, लास्ट डेट है। तब से पहले पहले उससे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो फीस है वो जनरल के लिए 500, जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये, और एससी और एसटी के लिए है 250 रुपये, जिसमें रिफंड कर दिया जाएगा बाद में। और प्लस टू बेस पर और ग्रेजुएशन बेस पर अलग अलग इसकी पोस्ट है। इसकी पूरी जानकारी के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है जिसमें इस भर्ती की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसे एग्जाम पैटर्न वगैरह पूरी जानकारी, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा उसके बाद। चलिए अगली भर्ती की बात करते हैं। अगली भर्ती एसएससी के द्वारा निकाली गई है, और जिसमें कि इसकी जो फार्म भरना शुरू हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट है 7 अप्रैल 2019, इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप फॉर्म भरा लीजिए क्योंकि इसकी वेबसाइट है जो थोड़ी धीमी चलने लग जाती है जब लास्ट डेट निकट आती है। और इसके ओबीसी और जनरल के लिए 100 रुपये है, और एससी एसटी के लिए बिल्कुल कोई भी फीस नहीं है। और इसमें जो योग्यता है वो प्लस टू रखी गई है, और इसमें एज है वो 18 से 27 ईयर है। और इससे संबंधित मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया जिसमें इसका फॉर्म भरने की जानकारी दी गई है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगली भर्ती की बात करते हैं। अगली भर्ती है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है, ग्रुप डी की रिक्वायरमेंट है इसमें। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 मार्च 2019 से शुरू होने वाले हैं, और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 25 अप्रैल 2019। और जो फार्म फीस वगैरह है वो दी गई है, हरियाणा वालों के लिए अलग से छूट दी गई है 50 रुपये है, और अन्य जो स्टेट्स हैं उनको 100 रुपये की इसकी फीस है, फीस में छूट दी गई है, वैसे छूट नहीं दी गई है। और इसके लिए जो योग्यता है वो 10वीं पास है, 10वीं पास इसके लिए योग्यता रखी गई है, और एज है वो 18 से 42 ईयर रखी गई है। और अलग अलग इसमें पोस्टें भी दी गई है, जनरल के लिए टोटल जो पोस्ट है वो है 249 पोस्ट, 249 टोटल पोस्ट है। इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, योग्यता 10वीं पास रखी गई है। अगली भर्ती की बात करते हैं। ये दोस्तों इंडियन नेवी में भर्ती है, और जिसमें कि जो एप्लीकेशन है वो 2 मार्च 2019 से शुरू हो चुके हैं, इसकी लास्ट डेट है 15 मार्च 2019, और फॉर्म फीस जमा कराने की भी लास्ट डेट है 15 मार्च 2019। जल्दी से इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और इसके लिए ओबीसी और जनरल के लिए जो फीस है वो 225 रुपये रखी गई है, एस सी एस टी के लिए बिल्कुल फ्री है। टोटल 644 में पोस्ट है, एज रखी गई है 18 से 25 ईयर, तो ये बढ़िया पोस्ट है नेवी की है। अगली भर्ती की बात करते हैं। जो नेक्स्ट नेक्स्ट वैकेंसी है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन एसएससी के द्वारा निकाली गई है, और इसमें जो फार्म है वो 18 मार्च 2019 से शुरू हो चुके हैं, इसकी लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2019। और इसके संबंधित जो फीस है वो ग्रुप डी की तरह है, 50 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए, जिसमें कि हरियाणा वालों के लिए और अन्य राज्य स्टेट वालों के लिए 100 रुपये है। और इसके लिए अलग अलग पोस्ट है, एज है वो अलग अलग पोस्टों के हिसाब से दी गई है। एज लिमिट यहाँ से देखिए, जो चार्ज मैन है उनकी है 17 से 42 ईयर, और योग्यता है 10वीं पास विद हिंदी और संस्कृत और विद आईटी। आईटी वालों के लिए बड़ा इसमें फायदा है क्योंकि आईटी इसमें योग्यता रखी गई है कई पोस्टों में, और कई पोस्टें सीधी आप पूरी डिटेल्स इसमें देख लिए, वर्कशॉप की है और ऑपरेटर की है, और इसमें ऑपरेटर वगैरह वेल्डर वगैरह की सभी की है, आईटी की है और बिना आईटी की भी है। तो सारी पोस्टों की डिटेल्स है आप देख लीजिए, मैं धीरे धीरे इसे नीचे कर रहा हूँ, आप योग्यता वगैरह पूरा देख लीजिए। और इसके फॉर्म अभी शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट भर्ती की बात करते हैं। नेक्स्ट जो भर्ती है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीए में निकली है, और जिसकी नोटिफिकेशन पहले आ गई, 4,000 के करीब ये पद है। इसकी जो फार्म है वो 28 फरवरी 2019 से शुरू हो चुके हैं, और 25 मार्च 2019 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो फार्म फीस है वो ओबीसी के लिए 500 रुपये, एससी एसटी के लिए कोई इसकी फीस नहीं है।
और एज लिमिटेड है वो इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के लिए अलग से दी गई, सभी के लिए अलग अलग है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन के लिए 28 ईयर मैक्सिमम है, अधिकतम है। और इसके लिए जो योग्यता है वो अलग से नीचे दी गई है, बीटी चाहे केयू में कुछ है, अलग अलग योग्यता है, अलग अलग पदवाइज, वो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं धीरे धीरे इसे नीचे कर रहा हूँ। और आप टाइपिस्ट के लिए बेचुलर ऑफ डिग्री एंड स्ट्रीम टाइपिंग स्पीड, यहाँ देखिए आप, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने बीटी से वगैरह ये डिग्री नहीं किया है उनके लिए, यहाँ पर देखिए टाइपिस्ट की नौकरी है, इसमें मैक्सिमम एज है 25 ईयर। और इसमें कोई भी आपके पास अगर डिग्री है, बेचुलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम किसी भी सब्जेक्ट में, और टाइपिंग स्पीड आपकी अगर 30 से 30 वर्ड प्रति मिनट है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया, जैसे अलग आपके पास अगर ये डिग्री है तो आप अन्य भर्तियों में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास ओनली बी ए की डिग्री है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पद वाइज विवरण है वो भी दिया गया है, आप पढ़ सकते हो नीचे किस प्रकार इसमें पद है, और एप्लीकेशन फॉर्म अभी शुरू हो चुके हैं। अगली भर्ती की बात करते हैं, ये भर्ती है, ये विजय बैंक में निकली है, और इसमें जो फॉर्म है वो 7 मार्च 2019 से शुरू हो चुकी है, और इसके लास्ट डेट है 14 मार्च 2019, यानी 7 ही दिन इसमें दिए गए हैं। तो जल्दी से आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। और इसके फॉर्म फीस है 150 रुपये ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 50 रुपये दी गई है। और इसमें अलग अलग पोस्ट दी गई है, जैसे पियोन के है, स्वीपर के है, स्वीपर पियोन के है, फोर्थ ग्रेड, ये पोस्ट है सभी। और इसके लिए पोस्ट का विवरण भी दिया गया है। और योग्यता की बात करें तो 10वीं पास इसकी योग्यता रखी गई है, 10वीं पास इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 26 ईयर है, और टोटल जो पोस्ट है वो है 421 पोस्ट है, और पियोन और सब स्टाफ की ये सभी पोस्टें हैं। और पोस्टों का विवरण मैं धीरे धीरे आपको नीचे करके दिखा देता हूँ किस प्रकार पोस्टों का इसमें विवरण है, आप देख लीजिए। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्टें हैं, पद वाइज और कैटेगरी वाइज, वो आप देख लीजिए, मैं धीरे धीरे इसको नीचे कर रहा हूँ। तो अगली भर्ती की बात करते हैं, ये इंडियन रेलवे में भर्ती निकली गई है, जैसे 1.5 लाख के करीब वो भर्तियां थी, उसमें अलग अलग भर्तियां निकाली जा रही है, और जो 1 लाख बाकी बची है भर्ती, उसके नोटिफिकेशन 12 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। जो 1 लाख भर्ती बची है उसका नोटिफिकेशन 12 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। और ये भर्ती है जो पोस्ट रिक्वायरमेंट है इसमें, और जो एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो चुकी है 8 मार्च 2019 से, और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 7 अप्रैल 2019। इसके लिए फीस भी है 500 रुपये ओबीसी जनरल के लिए, 250 रुपये अन्य के लिए, रेलवे में लगभग यही फीस होती है। और इसके लिए पोस्ट है, पोस्ट डिटेल्स है, वो जनरल के लिए 756, इतनी पोस्ट रखी गई है, ओबीसी के लिए 354। और इस प्रकार आप देख लीजिए, एज लिमिट है वो 18 से 45 ईयर रखी गई है, जो PGT टीचर बायोलॉजी है इंग्लिश मीडियम के लिए। और इसमें भी डिटेल्स आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, नीचे मैं आपको धीरे धीरे करके नीचे दिखा देता हूँ इसकी पूरी डिटेल्स। यहाँ पर जो PGT टीचर इंग्लिश है